समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला और महानगर के संयुक्त तत्वावधान में मुलायम सिंह यादव के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन हुआ। शोक सभा में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। माननीय नेताजी धरती पुत्र समाजवादी के जनक माननीय मुलायम सिंह जी यादव का स्वर्गवास हो गया, उसके उनके सम्मान में हमने शोक सभा रखी थी। माननीय नेताजी के जाने से तब मैं कुछ शोषित वर्गों का बहुत बड़ा नुकसान है और ख़ासकर अल्पसंख्यक वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग की नेताजी आवाज़ थे, नेताजी अल्पसंख्यक वर्ग की रीढ़ की हड्डी थे। जब जब अल्पसंख्यक दुख में गिरा होता था नेताजी उसमें उन्हें उम्मीद की किरण दिखाते थे और नेताजी को देखकर अल्पसंख्यक समाज में एक शक्ति का जो था प्रवाहन होता था। आज अल्पसंख्यक समाज बहुत दुखी है और नेताजी को याद कर रहा है। शोक संवेदना व्यक्त करते हुए जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि नेताजी का निधन सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं संकल्पवत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और हमारे लिए तो ये बिल्कुल आ रहा था, पार्टी के लिए भी देश के लिए। नेताजी का जो कथ था वो सुभाष चंद्र बोस के बाद उन्हीं को नेताजी कहा जाएगा। नेताजी देश के नेता थे, उन्होंने देश की भी रक्षा की, प्रदेश की भी रक्षा की, गरीबों मजदूरों किसानों के लिए बहुत कुछ किया, दलितों के लिए अल्पसंख्यक के लिए, और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं खासतौर से किसानों के लिए। और नेताजी ने जो फैसले लिए वो सारे फैसले जनहित के लिए, चूंकि माफ करने से लेकर सही रखकर 5 रुपये का टैक्स माफ करने पे लेकर देश के सैनिकों को जो शहीद हो जाते थे उनको से सम्मान उनके परिवार को सुपुर्द करने जिलाधिकारी SSP या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उनके घर पर जाकर सलामी देने और उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है, तो उनका नाम आदरणीय मुलायम सिंह यादव। साथ ही शोक सभा में महानगर अध्यक्ष शाने अली, संजीव चौधरी, कुलदीप तुरेहा, प्रेम बाबू वाल्मीकि, फरीद मलिक, लाखन सिंह सैनी, ताहिर खान, जयवीर सिंह यादव, राजीव कुमार सिंघल, असलम पंचायती, फुराकन आलसी, मोहित गौड़, हसीन जमाल, अलका दुबे, महेंद्र सिंह, ब्रजलाल, संजीव दिवकार, लुकमान, डॉक्टर उमर, तबारक अंसारी आदि लोग मौजूद रहे।